Hey guys, welcome back to our channel Newton's Health, a complete place for learning. So guys, अभी तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने चार पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन और शेप के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम उस रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये आपकी हर कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछी जाती है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है, देखिए ये होती है तीन तरीके से। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तीन तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाँ, यहां पर हम 2D और 3D की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखा दी है कि 2D क्या होती है, ओनली प्लेन बात करते हैं। 3D के केस में क्या होता है, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन में बोन एंगल को रिप्रेजेंटेशन करता है, बोन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप की बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें फर्स्ट जो होती है वो होती है कंप्लीट या ओपन स्ट्रक्चर, कंप्लीट या ओपन स्ट्रक्चर। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी हमारे पास आ जाती है इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरी इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो तीसरी आ जाती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इन तीन तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, बोन लाइन स्ट्रक्चर जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल्स हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उनमें स्ट्रक्चर को बोन लाइन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो बारी बारी से हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है वो ये क्या चीजें हम याद रखेंगे, जो नोट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि जो कंप्लीट या ओपन स्ट्रक्चर होती है उसमें हमेशा ही सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन शुड बी मेंशन। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, या आपके सामने कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन खुले हुए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है, ओपन या कंप्लीट स्ट्रक्चर होने वाली है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज अप टू यू। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लोन पेयर को आप मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं। मेंशनिंग ऑफ लोन पेयर भी आप कह सकते हैं, मेंशनिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यहां पर कोई कंपनसेशन ऐसा नहीं है। दूसरी जो होती है कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट आपको क्या याद रखना है कि यहां पर सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन नेवर मेंशन, कभी भी सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन को आप इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली चीज है कि आप इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी मेंशन नहीं करेंगे। तीसरी जो हमारे पास होती है यहां पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप शुड बी मेंशन ऑलवेज, हमेशा ही क्या करोगे, स्ट्रक्चर में जो भी आप बोन लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट होगा उसको आप जरूर से मेंशन करेंगे। दूसरी चीज जो यहां पर याद रखने की है वो ये कि जो टर्मिनल है, टर्मिनल पॉइंट्स या टर्मिनल जिसको हम एंड कहते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एंड पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑलवेज कंटेन मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। हमेशा ये क्या देखने मिलेगा कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है उसके टर्मिनल पर, उसके एंड पॉइंट पर हमेशा ही कौन सा ग्रुप बैठा होगा, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप बैठा होगा। अब ये जो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन तीन चीजों के बेसिस पर ही क्या बनाने वाले हैं, हम इन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर में क्या होने वाले हैं। सिग्मा बॉन्ड्स जो होंगे हाइड्रोजन, जो सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैन बी काउंटेड, आप क्या कर लेंगे उनको इजीली काउंट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं कंडेंस स्ट्रक्चर की, तो कंडेंस स्ट्रक्चर के केस में क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के, उनको कभी भी आप मेंशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली हाइड्रोजन को क्या कर देंगे कार्बन के साथ अटैच कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जानी है, कंडेंस स्ट्रक्चर हो जानी है। तीसरी जो है बॉन्डाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको हमेशा ही क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होता है, और जो इसका टर्मिनल पॉइंट्स होता है, टर्मिनल एंड्स होते हैं, वो हमेशा क्या काम करते हैं, मिथाइल ग्रुप को कंटेन करते हैं। अब चलिए इनके एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पर इन स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो बारी बारी से इनके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ओपन या कंप्लीट स्ट्रक्चर की। तो चलिए बना देते हैं ओपन या कंप्लीट स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए मैंने आपसे कहा इथेन है ना, C2H6 होता है, जिसका क्या नाम है इथेन। मैं इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो केवल मैंने फॉर्मूला लिखा, हमने नाम लिख लिया इथेन। इथेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए। तो इथेन बनाने के लिए आप क्या करोगे, दो कार्बन जोड़ोगे, दोनों कार्बन के साथ क्या कर दोगे, तीन तीन हाइड्रोजन लगा दोगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये कैसी स्ट्रक्चर हुई, ओपन स्ट्रक्चर हुई। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं, करीब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे तो टोटल कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें, 7 बॉन्ड। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं, इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं। बात करते हैं इथाइल की। मान लीजिए मैंने आपसे कहा चलिए इथीन ले लीजिए पहले, इथीन। इथीन क्या होता है, C2H4, तो दो कार्बन जोड़े मेरे डबल बॉन्डेड, इसके साथ क्या करना है मेरे को, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और ये एक आ गया पाई। इथाइन की अगर मैं बात करूं तो इथाइन को आप कैसे दिखाएंगे, इथाइन, इथाइन क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्डेड लगाने हैं और एक एक आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो इस केस में 1 सिग्मा ये आ गया, 1 सिग्मा ये आ गया, 1 सिग्मा ये आ गया, और टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ओपन या कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसका, इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये आ गया मेरे पास C2H5OH का, जो कि क्या कहलाता है, इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन आप अटैच करेंगे, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन लगाते चले जाइए, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन, ये आ गया हाइड्रोजन। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा, आप डिपेंड करता है कि आप लोन पेयर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लोन पेयर, जो कि कंपलसरी नहीं है, आप चाहे लोन पेयर को रिप्रेजेंट करें या ना करें। तो ये आपकी क्या थी, ओपन स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करेंगे इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर की। तो कंडेंस स्ट्रक्चर के केस में क्या होने वाला है, इस बार हम इसमें क्या नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, सीधा सीधा आप स्ट्रक्चर को जोड़ते चले जाएंगे। दूसरी हम बात कर रहे हैं इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की। तो कंडेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने बात करी आपसे इथीन, तो इथीन को आप क्या लिखेंगे, C2H4 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि इसमें हमने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, केवल कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन को अटैच किया है। अगर मैं बात करता हूँ इथाइन की, तो इथाइन के केस में क्या होने वाला है, C2H2। मैं बात कर रहा हूँ बेंजीन की, तो बेंजीन के केस में क्या होने वाला है, C6H6। मैं बात कर रहा हूँ एल्कोहल की, एल्कोहल कोई भी हो सकता है, मिथाइल एल्कोहल की मैं बात करूंगा तो CH3OH, इथाइल एल्कोहल की मैं बात करूंगा तो C2H5OH। बात करूंगा एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, CH3COOH, क्योंकि यहाँ पर हमने एक भी सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, इस वजह से क्या होंगी, कंडेंस फॉर्म होंगी। लेकिन ये सारे फॉर्मूला जो हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है, ये कैसे कंडेंस, इसको आप इसे लिख सकते हैं किस तरीके से, CH3C(OH). अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि क्या मैंने सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन दी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये इसकी वैलेंसी है ना, और जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। आप इस कंडेंस फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में ऐसे तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पाई बॉन्ड को हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें कि क्या है, डबल बॉन्ड वैलेंसी है ऑक्सीजन की। या चलिए बेंजीन की मैं बात करूं, बेंजीन को कंडेंस फॉर्म में हमने जो लिखा
वो क्या लिखा है C6H6। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक, ये क्या हो जाती है, कंडेंस फॉर्म हो जाती है। तीसरी हम बात कर लेते हैं, कौन सी तीसरी स्ट्रक्चर क्या बताई मैंने आपको बताइए, बिल्कुल ठीक, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो तीसरी हमारे पास है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3, CH2, CH2, CH और ये आगे डबल बॉन्ड CH3, CH2। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब मैं कहूँ आपसे इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपकी प्रेजेंटेशन दीजिए, ये कैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, सीधी 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 समझ दिख रही है क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। अगर मुझे इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है तो आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने टोटल, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो आप 5 लाइन बना दीजिए, 1, 2, 1, 2, 3, 4 काउंट करते रहिए। ये जो एंड पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो हमने 5 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए। अब सारे ये देखिए, ये तो सारे सिंगल बॉन्डेड हुए, बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। आपकी स्ट्रक्चर होगी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मान लीजिए मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को मेंशन कीजिए इस तरीके से, CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड सी, यहां पर लगा दीजिए OH और यहां से 1H कम करके चलिए, यहां लगा दीजिए Br और यहां आ गया मेरे पास CH3। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप कार्बन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लगा दीजिए, 1, 2, 2 गए, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन हमारे पास हो गए, 6 के 6 मिथाइल मतलब 6 के 6 कार्बन हमने सिचुएट कर दिए। तीसरे कार्बन पर है ब्रोमीन, तो 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर यहाँ क्या जुड़ गया, ब्रोमीन। आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं। 4, 5, 5वें कार्बन पर है OH, 5वें कार्बन पर मैंने जोड़ दिया OH और 4थे और 5वें कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। तो 4थे और 5वें कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। इस तरीके से क्या बन गई है, स्ट्रक्चर बन गई है, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का और अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए एक बड़ी सी स्ट्रक्चर मैंने ले ली कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सी, यहां गया OH और इस पे एक H ये लग गया CH2, चलो CH ले लेते हैं डबल बॉन्ड, ये आ गया Br और ये आ गया CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस वाले पर कितने हो गए टोटल, यहां से हटा लेते हैं, इस पर लगा लेते हैं I, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 लगाने हैं, तो 1, 2 ठीक है, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 कार्बन हमने रिप्रेजेंट कर दिए, पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड, ये लग गया डबल बॉन्ड, चाहे आप ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए इससे कोई मैटर नहीं करता। तीसरा और चौथा, 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH, तो ये लगा दिया OH ग्रुप। 5, 5वें कार्बन पर आ रहा है ब्रोमीन ग्रुप। 5 और 6 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, ये लग गया डबल बॉन्ड। 6वें कार्बन पर क्या आ रहा है, आई ग्रुप और लास्ट वाले पर क्या आ रहा है, CH3। तो आप इसको रिप्रेजेंट करें या ना करें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्या हुई है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली हुई आपके पास कंप्लीट या ओपन स्ट्रक्चर, दूसरी हुई कंडेंस स्ट्रक्चर और तीसरी आपके पास क्या हुई है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें हम साइक्लिक कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक साइक्लिक कंपाउंड है कि सी इस तरीके से चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्या है, ये कौन सी कंडेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि CH2, CH2 और CH2, ये आपके पास है एक स्ट्रक्चर। अब आपको इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, आप केवल ये ट्रायंगल बना देंगे, ये आपकी क्या हो गई, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गई। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से CH2, CH2, CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH2, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। आपको इसे क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड इस तरीके से आपकी क्या हुई है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, किस तरीके से हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तब तक के लिए आप लोग इनका डिस्कशन कीजिए, इनकी स्टडी कीजिए, इनको बुक्स के थ्रू पढ़िए। आपके एनसीईआरटी में इनडेप्थ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।